गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रचनात्मक लेखन का एक रूप यानी कि सूचना लेखन। सूचना वर्ड आपने सुना ही होगा शब्द कि हमें यह सूचना मिली है, उन्होंने हमें यह सूचना दी है। सूचना यानी इन्फॉर्मेशन, जानकारी। अब यहाँ पर सूचना लिखने का क्या तात्पर्य है और क्यों इसे हम समझ गए? तो सूचना क्या होती है, कई बार हमारे फ़ोन पे हम बात करते हैं, मम्मी घर पे नहीं, हमने फ़ोन पिक किया, आंटी ने मैसेज दिया आपको मम्मी के लिए, आपने कलेक्ट कर ली, वो बात सुन ली और जब मम्मी आई तो आपने मम्मी को बताया कि आंटी ने क्या कहा है और ये सूचना दी है कि इस प्रोग्राम में इतनी तारीख को जाना है। तो ये भी एक तरीके से आपने सूचना बताई। या किसी अखबार में, न्यूज़पेपर में यानी कि समाचार पत्र में आपने एक सूचना देखी, उस सूचना के माध्यम से ये बताया गया है कि किसी जगह पर कोई प्रॉपर्टी या ज़मीन बिक रही है, तो आपने पिताजी को बताया या पिताजी ने मम्मी को बताया कि ऐसी सूचना आई है। तो सूचना अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग जगहों से मिलती हैं। न्यूज़ चैनल्स के थ्रू कई सूचनाएँ दी जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट के थ्रू स्वास्थ्य को लेकर, और अभी जैसे कोविड चल रहा है तो उसको लेकर गवर्नमेंट बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट बनाती है, तो उसमें भी सूचना दी जाती है कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो। तो सूचना के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको अभी सूचना का औपचारिक फॉर्मल तरीके से सूचना कैसे लिखी जाती है वो सिखाने जा रहे हैं। और जो विशेषकर विद्यालय या विभिन्न कार्यालयों दफ्तरों तक ही सीमित होगी। सूचना का बहुत बड़ा रूप है, लेकिन हम कहाँ तक जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे कि सूचनाएँ जो विद्यालय में लिखी जाती है या किसी कार्यालय या दफ्तर में लिखी जाती है। ठीक, अब सूचना कहते किसे हैं? तो सूचना होती है कि जब कोई बात बताने के लिए कही जाए। अब हम तो आपस में बात करें, आप और मैं, तो ये हमारी बातचीत है, लेकिन अगर इस जगह मैं आपको ये कहूँ कि आप सबको यह सूचित किया जाता है कि 20 अगस्त को हमारे विद्यालय में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, तो ये जो वाक्य मैंने बोला कि इतनी तारीख को हमारे विद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, ये बात मैंने आपको बताने के लिए कही है, सूचित करते हुए कही है, इसलिए ये सूचना है। सूचना का मतलब क्या हुआ? वह बात जो बतलाने के लिए कही जाती है, सिर्फ बात करने के लिए नहीं कही जाती, मन बहलाने के लिए नहीं की जाती, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए नहीं कही जाती, बल्कि जो बात किसी को बतलाने के लिए कही जाती है वह सूचना कहलाती है। क्लियर? अब सूचना लेखन क्या होता है? जब हम किसी विशेष सूचना को, विशेष सूचना यानी किसी विषय से संबंधित, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना यानी हमारे पास कोई विशेष सूचना है और उसे हमने सार्वजनिक कर दिया यानी सबके सामने बता दिया, तो वो सूचना लेखन कहलाता है। सार्वजनिक करना यानी कि आप अगर विद्यालय के खेल सचिव हो यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, आपको प्रिंसिपल ने, आपको आचार्य ने, प्रधानाचार्य ने आपको कुछ जानकारी दी और बताया कि विद्यालय में खेल प्रतियोगिता आयोजित हो की जा रही है, आप अपने कक्षा के दूसरे मतलब विद्यार्थियों के लिए एक सूचना बना दीजिए, मतलब एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिसमें लिख दिया जाए कि हमारे विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएँ होंगी खेल दिवस पर, और जो लोग इंटरेस्टेड यानी इच्छुक हों अपने नाम दे दें। तो वहाँ पर क्या किया, प्रधानाचार्य जी ने आपको बात बता दी और आपने एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी कि क्रीड़ा सचिव होने के नाते, खेल सचिव होने के नाते एक सूचना तैयार कर दी और उसमें सारे विद्यार्थियों को बता दिया कि हमारे विद्यालय में इस दिनांक को खेल दिवस हो रहा है, जो भाग लेना चाह रहे अलग अलग प्रकार के खेल होंगे, अपने स्वेच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से, अपने पसंद के खेल को चुनकर अपना नाम खेल सचिव को सबमिट करें या उसके पास जमा कराएं। तो ये क्या हुआ, आपने जो बात उन्होंने आपको बताई प्रधानाचार्य को, उससे आपने सूचना बनाकर सारे लोगों को सूचित किया, तो वो जब आप लिखोगे तो वो सूचना लेखन कहलाता है। अब सूचना कितने प्रकार की होती है? सूचना दो प्रकार की होती है, यहाँ पर दिया सुखद सूचना और दुखद सूचना। सुखद सूचना क्या होती है, जिसमें आप किसी अच्छी बात यानी खुशी, आप किसी समारोह के बारे में बता रहे हो कि भाई जन्मदिवस का एक उत्सव रखा गया है, प्रोग्राम फंक्शन या पार्टी, उसकी सूचना, विवाह उत्सव है उसकी सूचना, कोई प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है उसकी सूचना, सब सुखद ही है। दुखद में
शोक सभा, किसी के क्रियाकर्म की, किसी के उठावने की, किसी के बरसी की, यानी कोई कोई किसी की मृत्यु हो गई है, कोई दुख में है तो उसके लिए लोग होते ना बैसना रखते हैं, या उनकी बरसी है या क्रियाकर्म का उनका जो रिचुअल्स हो रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए भी लोग इकट्ठा करने के लिए आजकल कहते हैं ना कि हर किसी को जाके कैसे आप बुलाओगे, तो लोग क्या करते हैं उसके लिए भी सूचना जाके करा देते हैं। तो सुखद सूचना में प्रतियोगिताओं की, उत्सवों की, समारोहों की सूचना होती है, और इसमें क्या होती है शोक सभा ना, शोक सभा या फिर क्रियाकर्म से संबंधित या बरसी किसी भी दुख की समाचार को लेकर। तो यहाँ पर आपने सूचना के रूप देखी है, तो यह तो थे कि सूचना किसे कहते हैं, सूचना लेखन क्या है और उसके कितने रूप हैं। अब सूचना लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है उस पर हम चर्चा करेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए इन सारे बिंदुओं को लेखबद्ध कीजिए, समझिए और अगले अभ्यास तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।